ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा। तो यहाँ पर हमारे पास है 750 ग्राम लौकी, दो लौकी है, और हाफ टी स्पून है इलायची पाउडर, 150 ग्राम शक्कर है यानी एक कप शक्कर, और दो कप दूध। तो सबसे पहले मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ लौकी को। यहाँ पे देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है, या इस तरह से हमने ये देखिए मैंने कद्दू का जो है अंदर का है ये, तो ये देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तब इसको चफटाफट कर देती हूँ, नहीं तो यह हो जाएगा काला। तो यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है, इसमें डालूंगी एक टीस्पून भर के घी, और इसी में डाल दूंगी मैं लौकी। अब लौकी को मैं 3 से 4 मिनट तक इसमें अच्छे से लो फ्लेम पे भुनाई कर लूंगी। फिर हमने देखिए सारी लौकी डाल दी है, हाई मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर लूंगी 1 मिनट। फिर उसके बाद लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। तो अब मैंने यहाँ पे दूध गर्म करके रखा है तो वो डाल दूंगी, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें इसको पका लूंगी। मैं खोवा यूज नहीं करूंगी इसलिए मैंने दूध ज्यादा डाला है, 2 कप, आधा लीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने दूध को एकदम से पका लिया, एकदम पूरा दूध जो है जल चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप शक्कर, यानी वजन से है ये 150 ग्राम। ठीक, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ चला जाएगा ये इलायची पाउडर। यहाँ पे देखिए शक्कर को हमने मिला दिया, शक्कर ने अपना पानी छोड़ दिया, देखिए ना वापस से ये फिर गीला हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है 15 बादाम, 15 काजू, और ये 15 ही जो है पिस्ता है। तो अब इसको मैं जो है रोस्ट कर लेती हूँ। हमने फ्राई पैन रख दिया, इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून घी, और इसमें डाल दूंगी ये काजू बादाम एंड पिस्ता, इसको रोस्ट कर लूंगी। अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, किशमिश, नारियल, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। और खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है हलवे की, तो जो है चलिए अब इसको पका लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे कलर नहीं डाला है, अगर आपको चाहिए तो फूड कलर ग्रीन आप डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो। अगर वैसे तो ग्रीन ही इसमें पड़ता है, ग्रीन फूड कलर आप डाल सकती हैं, मैंने नहीं डाला है। तो इसको पका के, तो ये चलिए मेरा जो है हलवा रेडी होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट और पका लूंगी, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। शादियों वाला हलवा बन रहा तो इसमें तो केवड़ा तो जाना ही चाहिए, तो मैं एक बूंद केवड़ा इसमें डालूंगी, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए तो हमने यहाँ पे सर्व कर लिया है, तो मैंने थोड़ा सा जो है काजू को यानी बादाम को काट के रखा है, ऊपर से सर्व कर लेती हूँ। देखिए हमने सर्व कर लिया है, अब इसमें जो है थोड़ा से मैं ऊपर से बादाम को डालूंगी, इससे ना अच्छा लुक आता है। ठीक, ये देखिए हमने जो है हलवे को सजा लिया है, और मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाती हूँ खाते, और बहुत मसलत पूरा घर महक रहा खुशबू से, और तो मैं खा के दिखा रही हूँ। वाह, मेरा भी परफेक्ट है, बहुत बहुत टेस्टी बना। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर लिया करें, ये सब आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। चलिए फिर यहाँ पे होती है वीडियो क्लास। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।